भी ना, आपको अंदाजा भी है कि दोपहर में बच्चे को सुलाना कितना मुश्किल काम है, खास तौर पर तब जब उसको जबरदस्ती उसकी माँ से दूर रखा गया हो। पता है मुराद, मुझे ऐसा लगता है कि हुजैफा इस हादसे से बहुत ज्यादा डर गया है, कि बार बार निमल का नाम ले रहा था, पहले भी घर पर आता है लेकिन इस तरह से कभी भी निमल को याद नहीं करता, अच्छा वक्त गुजार लेता मेरे साथ। वजी ने भी वैसे अच्छा फैसला किया कि उसको वहां नहीं जाने दिया। कुछ दिन यहाँ रहेगा हमारे साथ, वक्त गुजारेगा तो इस हादसे को भी भूल जाएगा। ठीक कह रहे हैं आप, इस तरह से निमल को भी थोड़ा वक्त मिल जाएगा, वरना दिन रात हुज़ैफ़ा के पीछे भागती रहती है। जब तक हुज़ैफ़ा यहाँ है वो भी रेस्ट कर लेगी, और तब तक इस मामले में हमारी भी ट्रेनिंग हो जाएगी। आपको पता है हुज़ैफ़ा मुझसे कह रहा था कहानी सुनाए, अब मुझे कहाँ आती है कहानियाँ। अरे तो मुझसे कहना था ना, मैं सुना देता। आपको बचपन की सारी कहानियाँ याद है? बचपन का तो कोई भी किस्सा, कोई भी कहानी याद नहीं, मुझे तो हम दोनों की कहानी याद, हमारी खूबसूरत कहानी जिसे मैं कभी नहीं भुला सकता। मुराद, मुझे आपकी मोहब्बत, आपके किरदार पर खुद से ज्यादा भरोसा है। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारा ये भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा, कभी भी नहीं। अब हुज़ैफ़ा सो ही गया तो हम कॉफी पी लेते हैं। कॉफी पी लेते हैं, तुम क्या पियोगी, कॉफी या चाय? अगर आप बना रहे हैं तो चाय। अभी आ गई, थैंक यू। तुम यहीं बैठो, तुम्हारी फेवरेट चाय बना के। थैंक यू। अबे पैसे तो लाया ना इस बार। अबे तू खेल तो सही, ये ले चल। आओ उस्ताद आओ। कहाँ गायब थे परसों से, ना कोई राबता ना कोई खबर, फोन किया तो नंबर भी बंद आ रहा था। एक दोस्त के पास गया था, तुझे पता है ना, जब गम गलत करना हो तो मैं चला जाता हूँ ऐसे। हाँ हाँ वो तो अच्छा किया उस्ताद, लेकिन उस्ताद पीछे ये सारे मुखालिफ आपको बुजदिल समझ रहे थे। जानता हूँ, सबको जानता हूँ और अच्छी तरह जानता हूँ, खास तौर पर उस बुढ़िया और उसकी बेटी को। वो समझती है कि उन्होंने अपना कर्ज उतार लिया, अभी उन्होंने सिर्फ सूद का कर्ज उतारा है, असल कर्ज अभी बाकी है। कैसा कर्जा उस्ताद, आपने तो कोई पैसा दिया ही नहीं था। मोहब्बत का कर्ज, बेइज्जती का कर्ज, वो बेइज्जती जो बार बार मेरी वो करती रही है। मैं उसके कदमों में अपना दिल बिछाता रहा और वो बार बार उस दिल को घायल करती रही, लेकिन वो ये नहीं जानती कि इरफान एक दफा जिसके पीछे पड़ जाए ना, उसका पीछा मरते दम तक नहीं छोड़ता। माफी चाहता हूँ उस्ताद, सांप तो आपके अपने आस्तीन में भी छुपा है। क्या मकसद है तेरा? मकसद ये कि आपकी बहन को मैंने खुद देखा था रूही के घर से निकलते हुए।